हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बाजार जैसी आलू की कुरकुरी टिक्की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ आलू लिया था, इसको पहले से बॉईल करके मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड करूँगी, थोड़ा सा अदरक घिसा हुआ था वो भी ऐड करूँगी, और धनिया पत्ता और पुदीना काटा था वो भी ऐड करूँगी, और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करूँगी, और ये काला नमक है इसको भी ऐड करूँगी। इससे टिक्की बहुत चटपटी और टेस्टी बनती है। अब थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, और थोड़ा सा सफ़ेद नमक लिया है मैंने ये भी डालूँगी, और ये चावल का आटा है मैंने मिक्सी में बहुत बारीक पीस लिया था ये डालूँगी। इससे टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब अच्छे से मिक्स करेंगे हम। तो हमने मिक्स कर लिया है। अगर आलू अगर थोड़ा ढीला हो जाए तो हम थोड़ा चावल का आटा और डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको 5 मिनट छोड़ दिया था मैंने। अब इसको छोटे छोटे पेड़े करेंगे। अब टिक्की बनाएंगे हम। तो फ्रेंड्स, मैंने टिक्की बना ली है। अब इसको हम जितना भी जो बचा है उसको सारी टिक्की बना लेंगे हम। फ्रेंड्स, घर की टिक्की बहुत ही टेस्टी बनती है और हम घर में साफ़ सुथरा से बनाते हैं और मार्केट में साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस ऑन कर लिया है। अब मैंने फ्राई पैन रखा है, फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम टिक्की को फ्राई करेंगे। टिक्की को हमारे को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, नहीं तो टिक्की हमारी जल जाएगी। तो मैंने टिक्की सब डाल दी है और इसको फ्राई कर रही हूँ, और जब एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब हम इसको पलटेंगे। उससे पहले हमें नहीं पलटना, नहीं तो हमारी आलू की टिक्की टूट जाएगी। तो हमारी टिक्की एक साइड फ्राई हो गई है, अब इसको हम पलट देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। अच्छे से पक जाएगी अंदर तक। तो हमारी टिक्की फ्राई हो गई है। अब गैस बंद कर देंगे और अपनी टिक्की को हम प्लेट में निकालेंगे। फ्रेंड्स, टिक्की तो सबको पसंद आती है, तो आप घर में टिक्की कभी भी बनाइए, जब आपका मन करता है तब बनाइए। इस टिक्की को आप, मैंने टिक्की रेडी हो गई है मेरी, आप इसे हरी चटनी के साथ खाइए, इमली की चटनी के साथ आप प्रॉपर टिक्की अच्छे से बना के खाइए। फ्रेंड्स, अगर मेरा आपका वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।